नई सरकार के विरोध में खड़े हैं और सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया और 9 बार तो लिया ही महोदय, लेकिन एक ही टर्म में 3-3 बार लिया, ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने नहीं देखा। माननीय दोनों सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम बने, बड़ी खुशी है कि ये डिप्टी सीएम बने। इनका बयान हमने देखा कि भाजपा जो है इनकी मां, भाजपा पार्टी जो है मां, लेकिन हम तो कहना चाहते हैं आरजेडी ना आपकी मां हुई ओरिजिनल। तो आप तो पहले हमारे दल में ही थे। अच्छा चलिए ठीक, चलिए कोई बात नहीं, आप अस्वीकार कीजिए, लेकिन जनता तो इस बात को जानती है कि आप कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं, ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा? 2020 का हम लोग चुनाव जीत करके आए, मात्र बेईमानी के बाद 12,000 का डिफरेंस था पूरे महागठबंधन और एनडीए में, आप क्यों छोड़ के आए? आपने यही बोला था ना कि हम एनडीए इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टी को तोड़ा जा रहा है, हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। और आपने ये कहा था मर जाएंगे मिट जाएंगे, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगातार ही कहते रहते हैं, उस पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है न किसी को मुख्यमंत्री बनना है, देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना पाए थे। और आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय, मुख्यमंत्री जी जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था, आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी, आपका मन लगाने के लिए, हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे, लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, सजो को रखेंगे, उसमें हमारे मन में कोई खोट नहीं है। और हम लोग एकदम मजबूती के साथ खुट्टा गाड़ के खड़े हैं कि आपने जो संकल्प, महोदय मुख्यमंत्री जी आज तो आपसे हम कह ही सकते हैं, आप तो बुलाए नहीं, खुद ही चले गए गवर्नर हाउस, लेकिन आज हम इतना तो आपसे कह सकते हैं ना, इतना बात तो कह सकते थे कि आप बुला लेते, हम लोग बात कर लेते, नहीं है ठीक है तो उसका भी व्यवस्था कर देते, अगर हमारे सरकार से हमारे मंत्रियों से दिक्कत है तो फिर से बाहर से समर्थन दे देते और कोई माइक का लाल हिला देता उस सरकार को। ये मन में शंका मत पालिएगा, जब हमने आपसे कमिटमेंट कर दिया था तो मन में कभी भी शंका, आपके मन में भी हम बोलते थे कोई कंफ्यूजन होगा तो बुला करके बात कर लीजिए, दूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपको अपना परिवार समझते हैं, हम लोग समाजवादी परिवार के हैं मुख्यमंत्री जी, और इसको ध्यान में रखना चाहिए, विजेंद्र जी विजय जी सब लोग को बात रखना चाहिए। और हम कहना चाहते हैं जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा, फिर भी वहां चले गए। अब बताइए कर्पूरी जी को मिला, हमको तो बहुत खुशी की बात है कर्पूरी जी को मिला। आप कर्पूरी जी के साथ, हमारे पिता के साथ आप काम कर चुके हैं, आप उस वक्त थे, हम भले मेरा जन्म ना हुआ हो या हम बहुत छोटे होंगे, लेकिन आप तो जवान थे, आपको तो ये पता था कि कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ाए थे उनकी सरकार थी तो जनसंघ जो था उस सरकार में था,
जब कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ा दिए तो यही जनसंघ वाला ही ना कर्पूरी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया। कौन हटाया? और आप कहां बैठ गए? आप कर्पूरी जी का नाम लेते हैं और आप कहां बैठ गए मुख्यमंत्री जी? और वही जनसंघ वाले भाजपा वाले कहते थे, क्या बोलते थे, आरक्षण कहां से आई, कहां से आई? कर्पूरी जी हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ये बोलते आप हैं। और आप कहां चले गए मुख्यमंत्री जी? बता, गलत बोल रहे तो इस बात को बताइए। विजेंद्र जी, विजय जी, आप लोग सब लोग उस समय रहे भाई, सब लोगों ने नेतृत्व में काम किया है। हालांकि पता नहीं उस समय विजय जी शायद कांग्रेस में थे, लेकिन मन से ये समाजवादी भी रहे हैं, तो इतना सब लोग का सहयोग रहा, कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला, तो ये लोग तो भारत रत्न डील बना लिया, डील करने के लिए, हमको वोट मिलेगा और डील कर लो, भारत रत्न दे देंगे, भारत रत्न दे देंगे, डील कर लो। सम्मान नहीं करते आप लोग, डीलिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं। भाजपा के लोग सम्मान नहीं करते, डीलिंग करते हैं, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए करते हैं। और हम लोगों ने कितना आरक्षण बढ़ा दिया, 75%। लालू जी का जब सरकार था तो उस समय शायद 12 या 14% था, राबड़ी जी के सरकार में 18% हुआ। उसके बाद जो है आप आए तो और बढ़ गया, हम लोग आए तो 75% तो हम लोग ले ही गए। तो पीड़ा होती है जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के प्रति इस बात के लिए कि मुख्यमंत्री जी तो इधर से उधर भाग गुना कर लेते हैं, जो करना है कर लेते हैं, लेकिन जनता के बीच तो आप विधायक के लोग ना जाकर के जवाब देगा, आप ही लोग ना दीजिएगा। अब आपसे कोई पूछेगा काहे बताओ नीतीश जी 3 बार शपथ लिए तो क्या बोली? तू गरियात रहला पहले, अब तू पढ़ाई करत रह, क्या बोलब? हमने नौकरी दिया ही कहेंगे, क्या बात कर रहे हो? तो पीड़ा होती है जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के प्रति इस बात के लिए कि मुख्यमंत्री जी तो इधर से उधर भाग गुना कर लेते हैं, जो करना है कर लेते हैं, लेकिन जनता के बीच तो आप विधायक के लोग ना जाकर के जवाब देगा, आप ही लोग ना दीजिएगा। अब आपसे कोई पूछेगा काहे बताओ नीतीश जी 3 बार शपथ लिए तो क्या बोली? तू गरियात रहला पहले, अब तू पढ़ाई करत रह, क्या बोलब? हमने नौकरी दिया ही कहेंगे, क्या बात कर रहे हो? तो क्या कहो, क्या कहिए? अरे भाई बैठ, शांति शांति। हम लोग पिछला जब सत्र चल रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, जब पिछला सत्र चल रहा था तो मांझी जी अपनी बात को रख रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी एक मिनट, मुख्यमंत्री जी जो है गुस्सा में आए, गुस्सा में तो आए, लेकिन उसके बाद मांझी जी का रिएक्शन बाहर हुआ था मुख्यमंत्री जी। अब बाहर जाके बोले थे कि आपको जो है कोई गलत सलत दवा खिला देता है, बोले थे, हम नहीं बोले, गलत सलत दवा खिला देता है और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको जो है इलाज कराना चाहिए था, बोले थे कि नहीं बोले थे मांझी जी? अब हमको पूरा मांझी जी पे भरोसा है कि अभी अच्छा दवाई कराएंगे। मांझी जी ख्याल जरूर करिएगा, वो आप बड़े हैं, आपका सब जवाब मेरे यहां है, कोई नहीं, जरूर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं हमको, तो आप दवाई अच्छे से खिलाइए पिलाइए और थोड़ा बगले में कमरा ले लेते,
जाके ले लीजिए, अगर जाए सच में अगर चिंता है तो आप कमरा ले लीजिए, वरना आज अगर आप बोलिएगा तो अपना वचन वापस ले लीजिएगा जो मुख्यमंत्री जी के बाहर बाहर बोले। नहीं नहीं आप बोलिएगा ना आपका बारी आएगा। और मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो, बताइए मोदी जी के गारंटी वालों, बताओ बताइए पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी। खैर, और मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो, बताइए मोदी जी के गारंटी वालों, बताओ बताइए पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी। खैर, निर्धारित स्थान पर ही समय पर बोलिएगा माननीय नेता, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है महोदय, समय पर आप बोलिएगा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, अभी माननीय सदस्य को बोला गया, बोलने अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। मान्यता ये रही है कि जो सदन जिस दल के सदस्य है मतदान तक उनको अपने ही सीट पे बैठना होगा, नहीं तो ये अमानवीय माना जाता है, मतदान जो है अमानवीय माना जाता है। अभी अभी बात चल रही है, समय पर होगा। माननीय महबूब आलम जी, महबूब आलम जी परंपरा के अनुसार आपको देखना होगा महोदय।